नमस्कार मित्रों, मैं साभी शुक्ला आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नया साल आने वाला है 2019। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग के मन में कितनी दुविधाएं होंगी कि नया साल आप लोग का कैसा जाएगा और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जीवन में और क्या उपलब्धियां हासिल करेंगे आप लोग। तो मैंने जैसे कि टैरो के माध्यम से आपको दो राशियों के बारे में बताया, मेष और वृषभ राशि के बारे में, और मैं अब आपको मिथुन राशि के बारे में भी बताऊंगी। मिथुन राशि वाले, क्या आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आप लोगों का नया साल कैसा जाएगा? तो मैं सावी शुक्ला जी, मैं टैरो के माध्यम से आप लोगों को नए साल के बारे में बताऊंगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि नया साल आ रहा है तो आप लोग अपनी जो भी गलत बातें हैं या फिर आपने कुछ गलत काम किए हो, उन सब चीज़ों को हटा के आप नए साल में अच्छी और नई शुरुआत करें, पॉजिटिव बने, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस करें और एक अपने आप से एक वादा ज़रूर करें कि आज जो नया साल आने वाला 2019 आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए हम लोगों की लाइफ के लिए। हमें ईश्वर की, हम लोग जो बने हुए हैं वो ईश्वर ने हमको बनाया है किस लिए? इस सब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भरी है इसलिए कि हम अच्छे कार्य करें, अच्छी बातें सोचें, अच्छे लोगों से मिले, बात करें। और मैं आप लोगों के लिए एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि आप इस दिसंबर में, इस महीने में आप अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ के आप नए जीवन में प्रवेश करें और बुराइयाँ छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि कहते हैं सत्य की जीत होती है बुराई की नहीं। नया साल आपका बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ तो चलते हैं हम लोग मिथुन राशि की तरफ। तो मैंने जैसे कि टैरो के माध्यम से आपको दो राशियों के बारे में बताया, मेष और वृषभ राशि के बारे में, और मैं अब आपको मिथुन राशि के बारे में भी बताऊंगी। मिथुन राशि वाले, क्या आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आप लोगों का नया साल कैसा जाएगा? तो मैं सावी शुक्ला जी, मैं टैरो के माध्यम से आप लोगों को नए साल के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों का, मिथुन राशि वालों का नया साल कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों, परिवार को लेकर आपको सहयोग मिलेगा थोड़ा थोड़ा, मगर थोड़ी सी बीच में कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे आपका, आपकी वाइफ के साथ में थोड़ा अनबन हो सकती है, और लेकिन उसको फिर भी आप समझ के चलें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, जिससे नहीं आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा मिथुन राशि वालों को। और लेकिन अगर आपने अपने परिवार को समझ के और चला तो फिर आगे जाकर आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनका विवाह अभी लेट हो रहा था, उनका विवाह जरूर हो जाएगा इस साल। विवाह बनने का बहुत ही अच्छा योग है और दिखा रहे हैं कि जिनको बच्चे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको तो जुड़वा संतान भी होने वाली है। तो आप खुशियाँ मनाइए, परिवार के साथ में मधुर संबंध बना के रखिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्थिक स्थिति की तरफ। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के मार्च तक में पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा और पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। उसके बाद मार्च के बाद में आपको निवेश, जहां भी आप निवेश करेंगे उसके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट को देखा जाए तो शेयर मार्केट में आपके लिए निवेश करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकर रहेगा। और पैसे की आमदन को देखा जाए तो आप अपने घर पे, मतलब आप पैसे बचा के रखें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा अप डाउन्स चले, तो आपको पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। फिर अक्टूबर और नवंबर के दिसंबर महीने में आपको पैसे का आवागमन बराबर अच्छा चलेगा,
वो अच्छा रहेगा आपके लिए। निवेश कहीं भी करेंगे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई बोल देगा कि ये चीज़ ये काम मत करिए आप निवेश को लेकर, तो ऐसा मत सोचिए। आप जो आपका दिल क्या कह रहा है, आप पहले देखिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, तो उसका फैसला ज़रूर लीजिए, वो आपको सही सलाह देगा। तो निवेश के मामले में तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी मन की सुने और किसी विशेषज्ञ का सलाह ज़रूर लें कि भाई हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो क्या मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं। लेकिन ये साल 2019 मिथुन राशि के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उत्तम साल है। मिथुन राशि वालों, प्रेम को देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि लाने वाला है। भाई प्रेमी जोड़ी आपस में काफ़ी मधुरता बना के चलेंगे, मगर थोड़ा गिफ्ट देने पड़ेंगे आपको अपने साथियों को, थोड़ा प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्नचित रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो भी प्रेम के मामले में अगर अपने आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है कि हाँ ये रिश्ता जो एक प्रेमी प्रेमिका का जो एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी उलझने भी पैदा कर सकता है। आप एक दूसरे पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए, आपने ऐसा किया मैंने वैसा किया, ये नहीं। आप एक दूसरे को समझें, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक दूसरे का सम्मान करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और हर चीज़ को कमांड में लेकर चलें। आप मैजिशियन हो, आप प्रेम के मामले में भी एक दूसरे के प्यार को लेकर आप समझ सकते हो, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ 2019 में आप लोग को एक वादा करना पड़ेगा सावी शुक्ला से कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं, और अच्छा से ईमानदारी के साथ मर्यादा के साथ, आप इन सब चीज़ों में मर्यादा का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप अपने मामा पापा को हर्ट ना करें, इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान दीजिए और अच्छे से रहिए। प्रेम के मामले में ये साल बहुत अच्छा है, और जो है अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दीजिए, और गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट दे सकते हैं। बाकी जो है आपको प्रपोज़ करना है, प्रपोज़ल का भी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है उसका टाइम। और अगर ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप अगर आपने कर लिया किसी के साथ तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने आप को समझाना है, समझ के चलना है। क्योंकि आप, मैंने पहले बोला कि मैजिशियन का कार्ड निकला है, तो प्रेम के लिए भी आप मैजिशियन हो, आप आगे बढ़ो, अपनी सिचुएशन का सामना करो। तो मैं ये बोलूँगी कि प्रेमी जोड़ों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, प्लस अगर आप किसी से प्यार करते हो उसको प्रपोज करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है, और प्लस अगर आप अपने प्रेमी से शादी करने चाहते हो तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के आप लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। सब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय अच्छा मौका है, और आप इसको मत गंवाइए। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, तो उसका चांस है, आप विदेश जा सकते हैं। अच्छी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी छात्र हैं उनका इस समय बहुत ही अच्छा समय जाएगा। मिथुन राशि वाले लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। क्योंकि सांस संबंधी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आपको योगा, मेडिटेशन और पूजा पाठ, इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या में इन सब चीज़ों को अगर शामिल करेंगे आप लोग तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और डाइट चार्ट ज़रूर बना के रखिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही मतलब वर्क करते हैं, घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। खासकर महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपना ध्यान ज़रूर दें स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि 2019 में कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है महिलाओं को, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के ये आपकी बार, ये साल आपका बहुत ही गड़बड़ तड़बड़ ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में थोड़ी सी परेशानी, साल के अंत में थोड़ी सी परेशानी कम होगी। कुल मिला के ये साल ऐसा ही जाने वाला। तो आइए छोड़ के सारी समस्याओं को, उनका समाधान निकालने के लिए चलते हैं उपाय की तरफ। मिथुन राशि वालों, उपाय को लेकर देखा जाए तो छात्रों को सरस्वती माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनकी विवेक और बुद्धि बढ़ेगी, उनके लिए अच्छा रहेगा।
और हनुमान जी का व्रत करें, मंगलवार के दिन जाके आप मंदिर में आप पूजा अर्चना करें। मिथुन राशि वालों, आपका शुभ कलर होगा नारंगी और आपके शुभ डेज हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आपके शुभ डेज हैं। मैं बस सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास आप जो हैं सकारात्मक सोच के साथ में अपनी ऊर्जा बनाए रखें। तो इन सब सारी खुशियों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पिछले साल आपने मेरी राशियाँ देखी, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया और अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब किया। तो इस साल में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से कमेंट आए हैं हमारे वीडियो के लिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन के लिए, विवाह जी के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं सावी शुक्ला का नमस्कार।